दोस्तों इस वीडियो में हम प्लस साइज कुर्ती कटिंग करेंगे। एक कमेंट आया था, ये इनकी आईडी है पार्थ मालवी करके, इन्होंने अपना मेजरमेंट सेंड किया है मुझे कमेंट में। तो इसके अकॉर्डिंग 38 की लेंथ है, शोल्डर 15 इंच के, 44 की अपर चेस है और चेस 44 की है, हिप 50 साइज है, पूरा मेजरमेंट है इस तरीके से इन्होंने लिखा है। अब ये शायद बॉडी मेजरमेंट ही होगा, हम इसमें लूजिंग एड करके कटिंग करेंगे। तो 44 चेस साइज है, अगर आपका भी माप सिमिलर है आप मुझे फॉलो करके बना सकते हो। तो आज हम इसी के इनके लिए कटिंग करके बताएंगे कि इनका ये बॉडी मेजरमेंट है तो इसके अकॉर्डिंग किस तरीके से कटिंग करना है। दोस्तों चैनल पर नए हो तो जरूर सब्सक्राइब कर दे, वीडियो अच्छी लगती है लाइक करें, बेल आइकन प्रेस करें नोटिफिकेशन के लिए। और अगर आपको भी किसी चीज़ में दिक्कत हो रही है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं या इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, और इंस्टाग्राम पर भी आप मुझे डायरेक्ट DM करके कोई भी चीज़ पूछ सकते हो, तो मैं पूरी कोशिश करूंगा वीडियो बनाने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैंने ये इनर ले लिया है, रफ इनर है ये, सिर्फ इनको बताने के लिए। तो आप अगर इनर वाला ड्रेस बना रहे हो तो इनर पहले कटिंग करें, और अगर डायरेक्ट फैब्रिक पे बना रहे हो इनर बिना का, तो आप फैब्रिक पे भी इसी तरीके से मार्किंग करके बना सकते हो। तो पहले हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे शोल्डर के लिए, यहाँ पर मार्जिन रखना है। इसके बाद लेंथ ले लेनी है यहाँ से, 38 की लेंथ इन्होंने दी है तो 38 पे हम निशान करेंगे। इसके बाद जितने शोल्डर है हमारे यहाँ पे, इनके 15 इंच के शोल्डर है तो 15 इंच का आधा ले लेना है बेसिकली। और अगर आप कॉलर नेक पहन रहे हो कॉलर नेक, तो उसमें आधा इंच प्लस करना है। नॉर्मल नेक के लिए आधा लेना है, और अगर कॉलर नेक पहन रहे हो तो उसमें आधा इंच प्लस कर देना है, सिर्फ इतना ध्यान रखना है। इसके बाद वेस्ट लाइन आपकी 15 इंच पे ले लेता हूँ मैं, क्योंकि वेस्ट लाइन आपने दी नहीं है और हिप लाइन भी नहीं दी है, तो 15 इंच की फ़िलहाल जितना शोल्डर है उसके हिसाब से वेस्ट लाइन लेंगे। और हिप लाइन में यहाँ पे रखूँगा 21.5 पे। अब इसको हम निशान लगा लेंगे, अब जितने शोल्डर है हमारे 15 इंच के शोल्डर है तो इसका आधा मेजर लेना है 7.5 इंच, और यहाँ पे भी हम 7.5 इंच लेंगे। इसके बाद दोस्तों अपर चेस्ट इनकी 44 है, तो ये शायद बॉडी मेजरमेंट है, हम इसमें 2 इंच लूजिंग रखेंगे, नॉर्मल लूजिंग रखेंगे। अब ये लूजिंग का यहाँ पे दोस्तों सारा फंडा आपको क्लियर कर देता हूँ, ये नॉर्मल लूजिंग है। अगर आपको टाइट पहनना है तो इसको कम कर देना है, और अगर आपको लूज पहनना है तो इसको बढ़ा देना है। ये बहुत कम लोग आपको बताएंगे, कटिंग की पूरी थियरी यही है, मेन फंडा सिर्फ लूजिंग का है। अगर आपको टाइट पहनना है तो इसको कम करना है, और लूज पहनना है तो इसको बढ़ा देना है। यहाँ पे नॉर्मल फिटिंग है तो हम 2 इंच प्लस करेंगे 44 में, जितना भी आपका बॉडी मेजरमेंट है। तो ये 46 होगा, और इसका चौथा हिस्सा लेंगे हम, और जो रिज़ल्ट आएगा उसको यहाँ पर मेज़र करना है। तो चौथा हिस्सा लेना है, बॉडी में लूजिंग ऐड करना है, जैसा मैंने कहा जितना आप फिटिंग पहनना चाहते हो उसके अकॉर्डिंग लूजिंग लेना है, और फिर चौथा हिस्सा ले लेना है। तो यहाँ पे 46 का जो चौथा हिस्सा होगा वो 11.5 इंच होगा, तो 11.5 इंच पे मैं यहाँ पे मार्क करूँगा। और इनकी चेस भी 46 ही है, सॉरी 44 है, तो ये भी 46 होगी। तो चेस को आपको 2.5 इंच नीचे मेजर करना है। दो से अढ़ी इंच आपको यहां पे चेस मेजर करना है इस तरीके से। अब कमर पे टक्स लेना है, क्योंकि हेवी बॉडी है तो टक्स जरूर रखें, इससे फिटिंग अच्छा आएगा। तो इनकी जो वेस्ट है वो 42.5 है, तो जो वेस्ट है उसका चौथा हिस्सा लेना है। यहाँ पे अभी हम लूजिंग एड नहीं करेंगे, तो यहाँ पे 42.5 का चौथा हिस्सा होगा 10.5 और 1 पॉइंट होगा, तो इसको हम मार्क करेंगे। जितनी आपकी वेस्ट है इसका चौथा हिस्सा लेना है। अब यहाँ पे हम 1 इंच ऐड करेंगे टक्स के लिए, बैक साइड पे टक्स रहेगा, फ्रंट साइड पे टक्स नहीं रहेगा, तो यहाँ पे टोटल 2 इंच ही लूजिंग होगा। इसमें भी 2 इंच ही लूजिंग है वेस्ट में, क्योंकि जो 1 इंच हमने एक्स्ट्रा दिया है वो टक्स में इसमें सिलाई में आ जाएगा, तो यहाँ पे भी 2 इंच ही होगा।
अब यहाँ पे हम क्योंकि वेस्ट ज़्यादा है तो 4.5 इंच पे हम टक्स का निशान रखेंगे और 9 इंच का टक्स रखेंगे तो 4.5 से डिवाइड कर देंगे इसको, और यहाँ पे भी 4.5 इंच रखेंगे और यहाँ पे भी 4.5 इंच रखेंगे। इसके बाद दोस्तों हिप में भी इसी तरीके से, जैसे 50 इंच की हिप है तो इसका 2 इंच प्लस करेंगे तो 52 होगी, तो यहाँ पे 52 का जो चौथा हिस्सा आएगा वो 13 इंच आएगा, तो 13 इंच पे मार्क करना है और यही सेम यहाँ पे रख देना है 13 इंच। और अगर आपको घेर ज़्यादा चाहिए तो आप यहाँ पे ऐड भी कर सकते हो 0.5 इंच 1 इंच, तो इस तरीके से आप दामन बना सकते हो। या तो आप हिप का मेज़र रखिए और अगर दामन ज़्यादा चाहिए तो उसमें 0.5 से 1 इंच आप एक्स्ट्रा दे सकते हो। अब ये सारा मार्क करने के बाद सारी लाइन्स को हम मिला लेंगे इस तरीके से, और एक लाइन यहाँ एक्स्ट्रा रखेंगे कटिंग की आसानी के लिए। और ये जो राउंड स्केल है वो यहाँ पे हिप से कमर की तरफ रखेंगे, क्योंकि जो पेट का हिस्सा है उसमें अगर आप स्ट्रेट करोगे तो यहाँ पे ज़्यादा टाइट हो सकता है। अब ये लाइन को इस तरीके से मिला लेना है, आमोल का शेप देंगे। अब आमोल में इन्होंने फ्रंट क्रॉस का माप नहीं दिया है, अगर फ्रंट क्रॉस का माप है तो उसके अकॉर्डिंग इस लाइन को ड्रॉ करना है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मान लो कि 17 इंच के फ्रंट क्रॉस है तो 17 इंच पे मार्क कर लेना है 8.5 इंच पे, और 18 इंच पे तो 9 इंच पे कर देना है। और अगर फ्रंट क्रॉस का माप नहीं भी है तो आप एक अंदाजे से एक दूसरी लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरीके से, और इस तरीके से आमोल का शेप देना है। अब आमोल का शेप देने के बाद यहाँ से मार्जिन रखते हुए, यहाँ से हम कट करेंगे ये मार्किंग पे, तो यहाँ से मार्जिन रखना है और इस तरीके से मेज़र करना है। तो यहाँ पे 19 इंच के आमोल है तो 9.5 इंच पे इसका मार्क करेंगे, यहाँ पे हमारा 9.5 इंच आ रहा है। इस तरीके से राउंड में मेज़र करना है, तो ये 19 इंच का आमोल है इनका। अब यहाँ पे हम 3.5 से 3.5 इंच आप नेक की ब्रॉडनेस दे सकते हो, तो यहाँ पे मैं 3.5 इंच दूंगा और यहाँ से डाउन कर दूंगा इस तरीके से। तो ये बहुत ही सिंपल तरीका है और ये बहुत एक्सपीरियंस के बाद ये सारी चीज़ें आती है, आपको सिंपल करके बता रहा हूँ। तो इस तरीके से आपको मार्किंग कर लेना है। अब इसके बाद मार्जिन रखते हुए कटिंग करना है, जैसे यहाँ पे मार्जिन रखना है सिलाई मार्जिन, अब यहाँ पे हम कट लगाएंगे नेक का और यहाँ पे मार्जिन रखेंगे और ये लाइन के साथ चलेंगे इस तरीके से। यहाँ पे आप 1.25 इंच से 1.5 इंच तक दे सकते हो, 1.5 इंच से ज़्यादा कपड़ा नहीं रखना है वरना फिटिंग में प्रॉब्लम आ सकती है। तो इस तरीके से कटिंग करेंगे, यहाँ पे हम चाक के जो कट है वो लगा लेंगे, आमोल का कट लगाएंगे इस तरीके से। अब ये जो मार्किंग है उसको बैक साइड पे ले लेना है ताकि जब हम इसकी सिलाई करेंगे तो इसमें हमें वापस से मेज़र करना ना पड़े, जो कि एक गलत प्रैक्टिस है। इसको पहले ही इस तरीके से मार्किंग ले लेना है जो हमने मेज़र किया है, तो इसका फिटिंग बिल्कुल परफेक्ट आएगा। इसी तरीके से टक्स का भी ले लेंगे, तो इस तरीके से मार्किंग ले लेना है। तो इस तरीके से आपको अपना ड्रेस कटिंग करना है। अगर आप मुझे फॉलो करके कटिंग करोगे तो इंशाल्लाह आपको अच्छा फिटिंग आएगा, और आप मुझे कमेंट भी कर सकते हो कि आपको कैसा इसका फिटिंग आया है, फीडबैक भी दे सकते हो। और इसमें एक और चीज़ कहना चाहूँगा कि अगर आपको ज़िप लगाना है तो ज़िप के लिए बैक साइड पे मार्जिन अलग से रखना है, ये जो हमने मार्किंग किया है वो फ्रंट साइड हो जाएगा और इसके नीचे जो रहेगा वो बैक साइड हो जाएगा। तो ज़िप लगा रहे हो तो उसका मार्जिन रखना है, और इनर सूट कर रहे हो तो इनर पे ये इस तरीके से कटिंग करना है, और मेन फैब्रिक पे कर रहे हो तो मेन फैब्रिक पे इस तरीके से कटिंग करना है। उम्मीद करता हूँ आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होगी,
दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक करें, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।